नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान देखने मिलेगा। शुरुआत गोल्ड से करते हैं। हमने देखा कि गोल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता था, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो है गोल्ड पर वो इफेक्टिवली 11.5% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। इसके पहले जो ब्रेकअप की अगर बात करें तो इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5% थी, उसके ऊपर 2.5% एग्री सेस था और 0.75% जो है वो एक सोशल वेलफेयर सेस लगाया गया था कोविड के टाइम पे। फिलहाल वो हटा दिया गया है और जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 7.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है और 2.5% एग्री का जो सेस है वो अब भी बरकरार है। तो इफेक्टिवली जो रेट है वो 15% है, इसके पहले जैसे मैंने बताया 10.75% थी। तो इस 4.25% का जो इम्पैक्ट है हमने मार्केट में आते हुए देखा, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हालांकि गोल्ड अपने पिछले 2 महीनों के आसपास फिसल चुका था, वहीं पर इंडियन मार्केट्स में कहीं ना कहीं 2.75% के बढ़त के साथ हमने गोल्ड को क्लोज होते हुए देखा है 51,900 के करीब। तो लगभग 1800 से 2000 रुपए जो हैं इम्पैक्ट इस चीज़ का आया है जो इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी हुई है। तो भारतीय बाज़ारों में दोबारा तेज़ी कहीं ना कहीं लौटी है, क्योंकि पिछले काफ़ी हफ्तों से हम देख रहे थे कि 51,200 से 50,400 के बीच ही प्राइसेस ट्रेड कर रही थी, और इसके पहले क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रुझान नीचे की तरफ था, जहाँ पर हमने 1800 से 1785 डॉलर के टारगेट डिस्कस किए थे जो इस हफ्ते हासिल हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए MCX पर भी जो रुझान था वो सेलोन रैलीज़ का था। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा एडजस्टमेंट हुआ है, तो हमने देखा है कि जो इफेक्टिव प्राइस में जो पैटर्न बना है, या टेक्निकली अगर आप देखें, तकनीकी रूप से देखें, तो फिलहाल बुलिश टेरिटरी में प्राइसेस चली गई हैं MCX पर, और 51,200 का जो एक ब्रेकआउट नहीं दे पा रही थी, फिलहाल प्राइसेस ने वो दिया है। तो इस प्रकार ये जो सपोर्ट है वो अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इमीडिएट तौर पर आने वाले दिनों में 51,500 और 51,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन होंगे, और जब तक ये नहीं टूटता तब तक पॉसिबल है कि जो करंट रैली है वो 52,250 और उसके बाद 52,570 तक की रैली एक्सटेंड होगी, यानी करंट लेवल से अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिखाई देगी। वहीं जो स्पॉट गोल्ड है वो भी हमने देखा कि 1785 डॉलर जो मई के महीने में टेस्ट हुआ था, उसके पहले जनवरी में टेस्ट हुआ था, अब वो दोबारा टेस्ट हुआ है और उसके बाद प्राइसेस ने उछाल देखा, 1810 डॉलर के आसपास की क्लोजिंग दी है। ऐसा लगता है यहाँ पर भी ब्रीफली एक शॉर्ट कवरिंग मूव 1825 से 1830 डॉलर तक का देखने मिलेगा, यानी भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल तेज़ी का रुझान बना रह सकता है जहाँ तक डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस का सवाल है। जैसे मैंने बताया 52,250 और उसके बाद 52,570 तक जाने की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि सिल्वर की अगर बात करूं तो चांदी ने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 20.8 डॉलर्स का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक किया है। काफ़ी महीनों से ये सपोर्ट होल्ड कर पा रही थी प्राइसेस, लेकिन फ़िलहाल उसके नीचे वीकली क्लोजिंग देकर वीकनेस की साइन दी है या कमज़ोरी की साइन दिखाई है। ऐसा लगता है कि जब तक 20.8 से 20.50 का जो एक बैंड है वो नहीं टूटता तब तक वीकनेस बनी रहेगी। हालांकि शॉर्ट टर्म बेसिस एक उछाल हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि 58,200 के करीब की वीकली क्लोज आई है जो एक सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अपसाइड यहाँ से जो होगा सीमित होगा, लिमिटेड होगा। 59,500 से ज़्यादा ऊपर प्राइसेस शायद नहीं जा पाए। ब्रॉडली अगर मोटा मोटी बात करें तो 60,000 का एक रेजिस्टेंस लेके चला जा सकता है, और जब भी इन स्तरों के करीब मिले तो सेलोन रैलीज की रणनीति अपनाई जा सकती है सिल्वर में। अगर गोल्ड और सिल्वर के रेशियो की भी बात करें तो करीबन 6 महीनों की ऊंचाई पे चल रहा है, 51 के ऊपर है। यहाँ पर हम स्पॉट गोल्ड डिवाइडेड बाय स्पॉट सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि लगातार इसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आज से 3 या 4 महीने पहले यही जो रेशियो था वो 75 के करीब था और फिलहाल 51 के ऊपर जो है, सॉरी 91 के ऊपर ये जो है क्लोज दिया है इस रेशियो ने। इसका मतलब ये है कि गोल्ड और सिल्वर में दोनों में गिरावट आ रही है, लेकिन सिल्वर में जो गिरावट है वो गोल्ड के मुकाबले फ़िलहाल ज़्यादा है, और ऐसा लगता है कि ये रुझान बना रहेगा। जब उछाल आएंगे तो गोल्ड में ज़्यादा आ सकते हैं, या जो स्टेबिलिटी होगी गोल्ड में ज़्यादा होगी, सिल्वर में जब गिरावट आएगी तो वो गोल्ड के मुकाबले परसेंटेज वाइज ज़्यादा हो सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की कलम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि जो गोल्ड है वो फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ, 0.15% की तेज़ी के साथ इनफैक्ट बंद हुआ है, लेकिन चांदी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वो कहीं ना कहीं
2% की नरमी के साथ क्लोज हुई है। तो ये जो रुख है ये बना रहेगा, यानी चांदी में फिलहाल मैं सेलोन रैलिस की ही सलाह देना चाहूँगा, जो उछाल आएंगे उस पर बिकवाली की जा सकती है। और डाउनसाइड में मेरा मानना है कि $19 के नीचे के स्तर हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। $19 करस्पॉन्ड करेगा करीबन 56,500 के स्तरों से भारतीय बाज़ारों में। अगर हम यही बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में भी हमने एक तरफा गिरावट का माहौल देखा है, और कॉपर जो है वो 680 के नीचे क्लोज दिया है, और वहीं जिंक ने भी करीबन आपने देखा 275 के आसपास की क्लोजिंग दी है, 277 के आसपास। तो गिरावट के साथ बाज़ार ने क्लोज दिया, और काफ़ी भारी गिरावट देखी गई है पिछले 2 या 3 हफ्तों में। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक ग्लोबल इकोनॉमी में जो रिसेशन आना है वो फ़िलहाल डिस्काउंट हो रहा है। अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पर जेरोम पॉवेल जो फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये संकेत दिए हैं कि फ़िलहाल जो फेडरल रिज़र्व यानी अमेरिकी सेंट्रल बैंक का फोकस है वो फ़िलहाल जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, और ना कि ग्रोथ को सपोर्ट करने में, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पर लगातार बढ़ रही है, और फ़िलहाल हमने देखा है कि 8.5% के ऊपर भी चली गई है, जो फेडरल रिज़र्व के कंफर्ट जोन के काफ़ी बाहर है। जो उनकी लिमिट है वो 2% की है, और फिलहाल हम 8.5% के ऊपर इन्फ्लेशन को सस्टेन होता हुआ देख रहे हैं, दैट इज़ ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन। तो अगर फेडरल रिज़र्व काफ़ी अग्रेसिवली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाए तो एक संभावना है कि इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से स्लो डाउन हो सकती है, और जो रिसेशन का माहौल है वो भी आ सकता है। और क्योंकि ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं ना ही सिर्फ US में बल्कि यूरोप में भी और UK में भी, और इनफैक्ट चाइना में भी हमने देखा है कि स्लो डाउन आया है, चाहे उसका कारण जो है वो कोविड है, लेकिन ग्लोबली जो मेजर इकोनॉमीज कॉपर को कंज्यूम करती हैं या बेस मेटल्स को रोज़मर्रा इस्तेमाल करती हैं उनमें क्योंकि एक स्लो डाउन देखने मिला है, तो उसके चलते हमने देखा कि फ़िलहाल जो एक माहौल है बेस मेटल्स में नरमी का है। यहाँ पर कॉपर से अगर शुरू करें तो फ़िलहाल 670 तक के लोज हमने देखे थे, 671 से 72 तक के लोज देखे गए हैं, 670-671 के रीजन में ऐसा लगता है कि टेम्पररी एक सपोर्ट बना रहेगा, और एक इमीडिएट उछाल हमें देखने मिल सकता है क्योंकि लगातार पिछले 4 हफ्तों से हम गिरावट देख रहे हैं, जहाँ पर दाम जो है वो करीबन 814 से लेकर गिरकर 672 तक एक फॉल दिखा चुके हैं। एक शॉर्ट कवरिंग मूव रूल आउट नहीं किया जा सकता, 685 के ऊपर यदि प्राइसेस चलती हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस जो है वो 700 से 705 तक जाएंगी, इसलिए इमीडिएट तौर पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिलेगा, और ये व्यू तब तक बरकरार रहेगा जब तक 670 के नीचे डेली क्लोज नहीं आता। लेकिन अगर मैं उससे लंबी अवधि की बात करूँ यानी एक महीने की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि 655 तक जाने के आसार कॉपर में बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी वो एक फ्रेश सेलिंग का मौका हो सकता है, तो हमें ट्रेडिंग के लिहाज से ये करना है कि पहले बाय करके चल सकते हैं जब तक 670 के लेवल होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अपसाइड जो है वो सीमित रह सकता है 700 से 705 के बीच में, 715 के नीचे जब तक ओवरऑल प्राइसेस हैं तब तक सेल का रुझान रहेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि 700 के करीब से दोबारा सेलिंग जो है वो रिज्यूम हो सकती है, और 655 तक के लेवल हमें आने वाले एक महीने में दिखेंगे। वहीं जिंक की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल डे लो से कुछ बहुत ज़्यादा दूर क्लोजिंग नहीं दिखाई है, 274 के लोज थे और 277 के करीब की क्लोजिंग है। ऐसा लगता है कि जिंक में जो ये गिरावट है ये जारी रहेगी, फिलहाल कोई शॉर्ट कवरिंग की निशानी नहीं दिखाई दे रही, 281 से 283 के नीचे अब भी सेल का रुझान बना हुआ है, और ऐसा लगता है कि 267 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे, यानी 267 का एक लेवल देखने मिलेगा। वहीं लंबी अवधि की बात करें तो 300 के नीचे जब तक प्राइसेस सस्टेन हो रही हैं तब तक 255 तक यहाँ पर भी एक गिरावट देखने मिल सकती है। एलुमिनियम हालांकि अगर मैं बात करूं तो देखा गया है कि फ़िलहाल अपने सपोर्ट होल्ड कर पा रहा है और तेज़ी के साथ क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। यहां पर एलुमिनियम में पिछले लोज जो देखे गए थे हमने नवंबर 2021 में, सिमिलर लोज 2002 से 2003 के बीच में देखे गए थे, और वहीं पर पिछले हफ्ते भी हमने 2005 तक के लोज देखे हैं, वहाँ से एक उछाल देखने मिला है। तो ऐसा लगता है कि एलुमिनियम में तेज़ी के आसार दिख सकते हैं या एक शॉर्ट कवरिंग कॉपर के साथ साथ आ सकती है। तो फिलहाल कंपेयर टू जिंक यानी जिंक के मुकाबले एलुमिनियम में फ़िलहाल ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही है, और 217 से 218 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे ऐसा मेरा मानना है।
वहीं अगर एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो काफ़ी उठापटक देखने मिली है। पिछले हफ्ते हमने गिरावट की बात की थी तो हमने देखा कि 9000 के स्तर को छूने के बाद लगातार एक गिरावट देखी गई थी 8280 तक। हालांकि जो हफ्ते का क्लोज है वो 8600 के ऊपर प्राइसेस देने में कामयाब हुई हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें 8800 से 8900 तक देखने मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ जो एक रुझान है वो तेज़ी का बन सकता है, लेकिन 9000 के ऊपर यदि प्राइसेस नहीं जाती तो दोबारा सेलिंग रिज्यूम हो जाएगी और मेरा मानना है कि 8100 से 7900 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। तो अपसाइड इमीडिएट तौर पर आने वाले एक या दो दिनों में थोड़ा सीमित हो सकता है 8800 से 8900 तक। 9000 के स्तर जो हैं फिलहाल निकलते हुए नहीं दिखते, या जब तक 9000 के लेवल होल्ड कर पा रही हैं प्राइसेस क्लोजिंग बेसिस तब तक उछाल पे बिकवाली की जा सकती है और डाउनसाइड में 8100 तक का एक रुझान दिखाई दे सकता है। वहीं पर नेचुरल गैस में जिस प्रकार 470 से हमने बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग देखी 540 की, लेकिन 545 के जो स्तर थे जो पिछले हफ्तों में काफ़ी बड़ा एक रेजिस्टेंस था वो निकाल नहीं पाई, तो हमने लगातार गिरावट का रुख देखा और 450 जो करीबन मैं समझता हूँ कि अप्रैल से सबसे लोएस्ट लेवल है, यानी पिछले 3 या 4 महीनों के लोएस्ट लेवल है, वहाँ पर प्राइसेस ने क्लोजिंग दी है। फ्री पोर्ट जो एक जो टर्मिनल है जहाँ पर गैस जो है प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर आउटेज जो हुआ था एक महीना पहले, तब से लेके अमेरिका के जो एक्सपोर्ट घटे हैं उस वजह से डोमेस्टिक मार्केट यानी यूएस के मार्केट में जो सप्लाई है चाहे वो एलएनजी का हो या फिर नेचुरल गैस का हो गैस फॉर्म में, तो वो काफ़ी बड़ा है। और क्योंकि यूएस इसे एक्सपोर्ट कर पा रहा था पहले यूरोप को, वो बंद हो चुका है, तो उसके चलते हमने देखा कि सप्लाई बढ़ने से काफ़ी बड़ा एक फॉल हमें देखने मिला है। ये हमने पिछले महीनों में कवर किया था कि 700 से 720 के स्तरों के ऊपर अपसाइड जो है वो लिमिटेड है, काफ़ी सीमित है, और अगर किसी को बिकवाली का रुख लेना है तो ले सकता है। तो काफ़ी लगातार एक बिकवाली का दौर हमने देखा है, ऐसा लगता है ये दौर जारी रहेगा जब तक 480 से 490 के नीचे प्राइसेस रहेंगी। सेल ऑन रैलीज किया जा सकता है, इमीडिएट तौर पर 445 का एक सपोर्ट है, वो अगर टूट जाता है डेली बेसिस तो 432 और उसके बाद 413 से 14 तक के वर्स्ट केस सिनेरियो के फॉल हमें देखने मिलेंगे। फिलहाल नेचुरल गैस में सेल ऑन रैलीज का रुझान लेके चलना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हालांकि समर ड्राइविंग सीज़न ऑफिशियली शुरू हो गई है यूएस में, लेकिन सप्लाई जो है वो पर्याप्त है या बैलेंस्ड है और एज ऑफ नाउ कोई हरिकेन की भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो एज ऑफ नाउ नेचुरल गैस पे ऊपरी स्तरों से दबाव बरकरार रहेगा। ये ज़रूर कहूँगा कि 400 के स्तर अगर आने वाले कुछ दिनों में नहीं टूटते हैं तो वहाँ से एक उछाल हमें देखने मिल सकता है, लेकिन फिलहाल 400 के काफ़ी करीब प्राइसेस जाने की उम्मीद बनी हुई है। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ हैं उनमें आने वाले दिनों में क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।